नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं देश के एकमात्र बचे हुए जल्लाद पवन जल्लाद। परिचित चेहरा है, लगातार चर्चा में रहे हैं इससे पहले निर्भया केस को लेकर, और अब चर्चा में हैं शबनम सलीम केस को लेकर। पवन जल्लाद से बात करेंगे शबनम केस की। पवन जी, ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में स्वतंत्रता के बाद एक महिला को फांसी दी जा रही, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जो वो तो जो जैसा गरुड़ी अपराध किया है उन्होंने, जो है साथ अपने बहन भाई को मारे, अपने भतीजे को मारा और अपने भाई माता पिता को मारा, इसलिए तो मैंने इसके लिए फांसी की जो पात्र होनी चाहिए। महिला है पवन जी, हो सकता है भावना में ऐसा कर दिया, किसी ने बहका दिया हो उसको, तो कैसे मतलब उसको सुधारने की भी गुंजाइश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं देखिए, इसमें सुधारने की गुंजाइश तो है नहीं, ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान लाएगा कि इस महिला ने जो बहुत घलोना अपराध, जंगीली अपराध किया है, अपने माँ बाप को मारना, अपने भतीजों को मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर ये इसको इस तरह से ये सजा नहीं मिलेगी तो आने वाली महिलाओं में कैसे उसका जो है सुधार होगा? तो आप चाहते हैं कि इसको जल्दी से फांसी दी जाए? मैं तो चाहता हूँ फांसी के बाद, ये नहीं कि मैं पेशे पर हूँ, मैं क्राइम के खिलाफ रहता हूँ हमेशा, जो इस तरह से क्राइम के करते हैं तो उनको तो फांसी होनी चाहिए। आप मथुरा जेल गए थे जहाँ पर शबनम को फांसी होनी है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा और क्या रिकमेंडेशन दिया आपने, क्या सुधार करवाने हैं वहाँ पर आपको? नहीं, सुधार तो है कि मैं थोड़ा सा फांसी का थोड़ा सा ख़राब था, मैंने उनको जेलर साहब को बोलिया था कि आप जो सही करा ना, फिर मैं जब कोई बात होगी तो मैं ओके कर लूँगा इसको आके। तो एक महिला को फांसी देना और पुरुषों को फांसी जो तो आपने पहले दी है, तो क्या अलग नहीं होगा कि उसको उसमें क्या अलग होता है, एक महिला को फांसी देना और पुरुषों अपराधियों को फांसी देना, उस इन दोनों में क्या अंतर होता है? प्रतिक्रिया पुरुष की भी और महिला की भी एक ही होती है। अच्छा, एक ही तरह फर्क इतना के भी पुरुषों को जो भाई पुरुष पकड़ कर लाते हैं, इसको महिला पकड़ के ले जाएगी, इतना फर्क होगा बस। लेकिन एक महिला के मुकाबले पुरुष अपराधियों को संभालना मुश्किल हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, दो सिपाही लाते हो पकड़ के उसको, ऐसी कोई संभालने की बात नहीं होती। तो इसमें जो एक महिला को आप फांसी दे रहे हैं, अपने आप में जो महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जाता, महिलाओं को सम्मान किया जाता है, और आप एक महिला को मारेंगे, तो क्या इसमें थोड़ा सा आपको कुछ इसमें आत्मग्लानी या दुख कुछ इस तरह का महसूस होगा? तो महिला अत्याचार करती रहेगी, ऐसा गिरोरी हत करती रहेगी, तो फिर सरकार इसको बर्दाश्त कर लेगी क्या? ये समाज बर्दाश्त कर लेगा इसको क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा ना, वो जब गिरोरी हरकत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करना कुहाड़ी से, जो मैंने सुनने में आया, जो पढ़ाई में मैंने जो भी अखबार में पढ़ा था, तो ये कहाँ का? अगर ये फांसी लगाओगे तो ये जो आने वाली महिला तो फिर ऐसी करती रहेगी, वो तो महिलाओं के लिए भी तो सीख है ये। अगर पुरुष तो गलती करता है उसको सजा मिल जाती है, लेकिन अगर पूरी ये महिला ऐसी जो करती रहेगी घिनौनी करकर, तो उसको कहाँ सरकार माफ़ करेगी? शबनम कह रही कि उसने नहीं किया, उसको गलत फंसाया गया शबनम को। नहीं तो फिर 13 साल से खींच बैठे, जब क्यों नहीं डाला उसने कि जी मैं निर्दोष हूँ? खैर ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट बताएगा या हाईकोर्ट बता, हम तो उनके मान्य हैं, जो उनका फैसला है भगवान का फैसला, उनका पूरा देश जानता है कि न्याय का फैसला एक भगवान का फैसला होता आएगा। मैं तो जो मेरे प्लेट पे है वो बेगुनाह है, गुनाहगार, मैं इस बात को नहीं जानता, ये तो भाई न्यायपालिका का निर्णय है, आपको निर्णय, न्यायपालिका निर्णय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कई लोग इसमें कहते हैं फांसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं फांसी नहीं दी जानी चाहिए, ये भी एक तरह की हिंसा है। एपी सिंह है जो वकील, जो निर्भया केस में आपने देखा होगा कि आरोपियों के पक्ष में खड़े थे, वो भी कहते हैं कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, क्या कहते हैं आप? नहीं देखो, मैं उनका अपना वो संविधान है, मैं उनके वकील के बारे में नहीं बोल सकता, मेरा जो काम है, मेरा कार्यत है वो मैं करता रहूँगा, लेकिन क्राइम के खिलाफ हूँ मैं। वो क्या कह रहे हैं एपी सिंह जी, बेगुनाह कर रहे हैं या गुनाहगार कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। आप जब ये फैसले का पालन करते हैं, फांसी देते हैं, उस समय क्या रहता है आपके दिमाग में, किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है उस समय? लोग जो आते होंगे, वो जिसको पता है कि अगले क्षण उसकी जो जीवन लीला खत्म होने वाली है, उस समय आप कैसे अपने आप को रखते होंगे बैलेंस? मैं तो बिल्कुल बेटे अपना रखता हूँ, अपने प्लेट पर आना भाई, अपना काम करना, और जी उसके बाद जो भाई मेरा काम खत्म। किसी तरह का कोई वैचारिक द्वंद्व आपके मन में नहीं रहता? मेरा कोई दुख शांति आपके मन मेरा दुख जो उसके क्राइम की सजा उसको मिलेगी और मिली गई इसको सजा, जो ऐसे सजा करते हैं, ऐसे जो जो है क्राइम करते हैं, उनको तो कोई भी समाज में रहने के लिए ऐसी कोई ऐसी महिलाओं को तो भाई देखो, मेरी तो राय है आगे सुप्रीम कोर्ट जाना है और न्यायपालिका जाना है, और मैं तो उनका गुलाम हूँ और उनका मैं तो मुलाजिम हूँ, और मैं ये कह नहीं सकता जो सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो आप भी कहता हूँ आज भी, उनका जो न्यायपालिका का
एक भगवान का दर्जा रखता हूँ, उनके लिए मेरा सम्मानित है। मैं उनको जो कानून सम्मत जो सजा दी गई है उसका पालन आप करते हैं। ये थे पवन जल्लाद जो लगातार इस तरह की घटनाओं में अपराधियों को सजा देते आए हैं। आज भी आपने उसी वक्तव्य के साथ साथ हैं कि जो अपराध जैसा किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे शबनम केस हो चाहे निर्भया केस हो। अगर उन्होंने इस तरह का घिनौना अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो समाज में उदाहरण गलत जाएगा। मेरठ से मनोज शर्मा।